देखिए, जो सपा और भाजपा की बात है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर कांड होता है, जब योगी जी की सरकार है तो सहारनपुर कांड होता है। तो दोनों का काम है बांटो और राज करो। 6 महीने का जो कार्यकाल है योगी जी का, उसने उत्तर प्रदेश की जनता को घोर निराश किया है। योगी जी कह के आए थे ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, अब की बार बीजेपी सरकार। किसी भी जिले के अखबार आप खोल कर देख लीजिए, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, महिला के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या, ये आम घटना हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश को 6 महीने में अपराध प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। और योगी जी कहते हैं कि आप सावधान हो जाइए, अपराधी प्रदेश छोड़कर चले जाएं। कौन छोड़ के जाएगा प्रदेश? कुंवर सर्वेश सिंह आपका सांसद है जो जीएम को चप्पल से पीटता है, आपके एक गोरखपुर के विधायक हैं जो महिला एसपी के साथ बदतमीजी करते हैं, एक आपका नगर अध्यक्ष है मुरादाबाद में, वो कोतवाल को कहता है बाहर निकल जूते से पीटूंगा। जब आपके लोग खुद कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करना है तो सबसे पहले बीजेपी के लोगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आपको बता दें कि दनिया में रामलीला के मंचन को 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ कलाकार तो ऐसे हैं जो कई दशकों से लगातार रामलीला में अभिनय करते आ रहे हैं। दरअसल जब क्षेत्र में बिजली भी नहीं थी, तब से यहाँ रामलीला का मंचन किया जा रहा है। जनकी रामलीला में एक तो जो गायन और वादन है उसमें बड़ा संतुलित हो रहता है। विगत लगभग 103 सालों से यहाँ पर रामलीला चल रही है इस दुनिया में। अगर 2-4 सालों की बीच की हम छोड़ दें, कुछ कारणवश नहीं हो पाई, अन्यथा इस साल 103वां वर्ष रामलीला कमेटी को चल रहा है यहाँ पर, तो लगभग हर ही साल यहाँ पर होती है। और मैं से पहले काशीराम पंत जी यहाँ पर रावण का अभिनय किया करते थे, तो उनकी मृत्यु के पश्चात लगभग 25 सालों से मैं इस अभिनय को यहाँ पर कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में जहाँ एक ओर श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी जाती है, तो वहीं कलाकार ग्रामीणों का मनोरंजन भी करते हैं।